सो वंस ही फेल इल एक बार क्या वो बीमार हो जाता है मेनी डॉक्टर्स आर कॉल्ड फ्रॉम फार एंड नीयर बट नो बडी कूटे डायग्नोज हिज इलनेस डे बाय डे ग्रो वीकर वंस अ सेंट कम टू दैट सिटी द क्वीन वेन टू मीट द सेंट सी सेट टू देंट सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव एवरी थिंग बट माई हजब इज नॉट वेल प्लीज सी हिम वंस ही विल डेफिनेटली बी ऑल राइट बाय योर ग्रेस तो ऐसे सोचते सोचते वो बीमार हो जाता है एक बार बहुत दूर दूर से उसके डॉक्टर्स आते हैं उनकी उनकी दवाइयों के लिए बट कोई भी उनको डायग्नोज मीन्स उनकी इलाज नहीं कर पाता है दिन ब दिन वो कमजोर हो जाते हैं एक बार एक उस स्थिति में एक साधु एक महात्मा आए होते हैं जो तो रानी उनसे मिलने जाती है और कहती है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है बट मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है तो प्लीज आप अगर एक बार उन्हें देख लेंगे तो डेफिनेटली जरूर ठीक हो जाएंगे द सेंट टू पिटी ऑन क्वीन एंड सेट आई शिल कम टू सी योर हजबेंड टुमारो नेक्स्ट डे द सेंट वेन टू द पैलेस ऑफ किंग द सेंट सो दैट किंग वॉज रिच हिज पैलेस वॉज बिग एंड ग्रैंड द सेंट टॉक टू किंग एंड कुड फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज इलनेस ही सेट टू द किंग आई हैव फाउंड द कॉज ऑफ योर इलनेस इज दर एनी क्योर फॉर हिज डिजीज सर आज द क्वीन यस द क्योर इज वेरी ईजी इफ द किंग पुट ऑन द शर्ट ऑफ एनी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड पर्सन ही विल रीगेन हिस्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस सो तो वो साधु राजी हो जाते हैं कहता है ठीक है, है मैं आऊंगा आपके हस्बैंड से मिलने कल और वो जाता है पैलेस में उस महल में और देखता है कि वाकई में बहुत ही धनी है और उस राजा से कुछ देर बात भी करता है और बात करने के बाद उसको उसकी बीमारी का कारण पता चल जाता है ही सेट टू द किंग राजा से कहता है आई हैव फाउंड द कॉज ऑफ योर इलनेस मुझे तुम्हारी बीमारी का कारण पता चल गया है तो रानी पूछती है कि क्या उसका कोई इलाज है इस बीमारी का कहते हैं हाँ जरूर है उसका इलाज आपको बस एक हैप्पी पर्सन की और सेटिस्फाइड न्यू जो संतुष्ट व्यक्ति हो और खुश रहता हो जो आदमी हमेशा उसकी अगर आपने एक शर्ट लाके राजा को पहना दी तो ये जल्दी हेल्दी हो जाएंगे और वापस से ठीक हो जाएंगे द मिनिस्टर ऑफ किंग कॉल सेवरल ऑफिसल्स एंड सेट गो एंड ब्रिंग ऑल दोज पीपल हु आर ऑलवेज कीपिंग हैप्पी सो so, जो मिनिस्टर्स होते हैं जो मंत्री होते हैं जो उनके अंडर में ऑफिशियल्स मीन जो वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं तुम लोग जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो हमेशा खुश रहते हैं ऑफिशियल वेंट फार एंड वाइट बट दे कुड नॉट फाइंड सच ए मैन वंस अ मैन वॉज सीन बाय एन ऑफिशियल सिटिंग इन हिज गार्डन एंड लाफिंग हार्टली ऑफिशियल वेंट टू हिम एंड लास्ट हिम डू यू ऑलवेज कीप हैप्पी यस आई एम ऑलवेज हैप्पी बट हुर यू एंड वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन या सो so, ऑफिशियल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं मगर उन्हें कोई मिलता नहीं है तो एक बार क्या होता है एक ऑफिशियल को एक आदमी मिलता है जो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है एकदम दिल खोल खोल के हंसता है तो जो ऑफिशियल होता है उसके पास जाता है और कहता है उससे क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो कहता है हाँ मैं हमेशा से खुश रहता हूँ मगर तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह की बातें पूछ रहे हो आई एम अ सोल्जर ऑफ द किंग आर किंग इज वेरी इल इफ यू हेल्प ही कैन बी क्योर प्लीज टेल मी वट कैन आई डू फॉर द क्वीन वी वॉन्ट योर शर्ट फॉर फ्यू डेज द तो वो कहता है कि हाँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो तो सोल्जर बताता है कि ऐसा है हमारे राजा की तबीयत खराब है अगर तुम हमारी मदद कर दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे तो कहता है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो बस आपको कुछ करना नहीं आप अपनी जो शर्ट आपने पहनी वो कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए ऑन हियरिंग दिस द मैन दैट मैन लाफ्ट अलाउड दोल्जर वरप्राइज इन ही तो उनकी ये बात सुनकर बहुत तेज से और जोर से हंसता है और कहते उसकी हंसी देख के उस सोल्जर जो होता है वो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाता है पूछते हो कि तुम हंस क्यों रहे हो बिकॉज आई हैव नो शर्ट आई हैव ओनली वन क्लोथ विच आई कैन नॉट पार्ट विथ द मैन सेट कहते मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो शर्ट है ही नहीं मेरे पास बस एक ही कपड़ा है जो मैं किसी से बांट नहीं सकता हूँ उस आदमी ने ऐसा कहा द सोल्जर रिटर्न डिसअपॉइंटेड अटर्ली डिसअपॉइंटेडेटेड एवरीथिंग टू द मिनिस्टर एंड द किंग वेन द किंग हर्ड दैट अ पर्सन इज हैप्पी इवन विदाउट अ शर्ट एंड विद वन क्लोथ ही वॉज सरप्राइज ही रियलाइज दैट द हैप्पीनेस हैज नो रिलेशन विद वेल्थ ही स्टॉप्ड वरिंग हिज इनफियरटी कॉम्प्लेक्स एंड हैंकरिंग आफ्टर वेल्थ वैनिस्ड ओके सो स्टूडेंट्स क्या होता है वो जो सोल्जर होता है मीन पूरी तरह से हताश हो जाता है डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश और हताश होकर वहाँ से चला जाता है और जो भी होता है वो हो जाके वहाँ पे मिनिस्टर्स से बताता है और राजा से बताता है और जब राजा उसकी बात को सुनते हैं कि एक आदमी जिसके पास एक शर्ट नहीं केवल एक कपड़ा है उसको एक कपड़े में वो इतना खुश रह लेता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता तो ही रियलाइज उसको इस चीज़ का एहसास होता है खुशी का कोई भी संबंध नहीं है संपत्ति या धन से तो वो ये सब चीजें सोचना बंद कर देता है उसके अंदर ये जो इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है ये सारी चीजें उससे खत्म हो जाती है हैंकरिंग आफ्टर वेल्थ उसके धन संपत्ति के बारे में हमेशा जो बड़ी बड़ी बातें करता था ये सारी बातें गायब हो जाती हैं बैनिस्ड मीन्स गायब हो जाना सो स्टूडेंट्स हैप्पीनेस नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोशिशन तो हमने देखा कि खुशी क्या वेल्थ और पोजीशन यानी धन संपत्ति के ऊपर आपकी नहीं डिपेंड करती है ओके okay? तो नो योर सेल्फ अपने आप को पहचानना चाहिए कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रांग पॉइंट्स थैंक गॉड एंड बी हैप्पी हमें अपने जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए ओके सो आई होप You understand this chapter very well, and you follow these things in your day to day life also. Okay? So, have a nice day. Thank